माइक्रोबिट पर हम ये डॉज द एनिमी गेम बनाना सीखते हैं। इसमें जो प्लेयर स्प्राइट है हम इसको बटन ए और बटन बी से मूव कर सकते हैं लेफ्ट और राइट, और जो हमारी एनिमीज हैं ये टॉप रो से नीचे की तरफ आएंगी। अगर कोलिजन होगा तो गेम ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम प्लेयर स्प्राइट को कैसे स्पॉन करेंगे और कैसे प्लेयर स्प्राइट को हम ए और बी बटन से लेफ्ट और राइट की तरफ मूव करेंगे। तो मैं makecode.microbit.org वेबसाइट पर हूँ। यहाँ मैंने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। तो प्लेयर की स्प्राइट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्लेयर नाम का नया वेरिएबल बनाएंगे। आप कोई भी नाम दे सकते हो, पर नाम वो देना चाहिए जो बाद में समझ में आए कि वेरिएबल किसके लिए बना था। और फिर हम यहाँ से ये सेट प्लेयर वेरिएबल को ऑन स्टार्ट के ब्लॉक में डाल रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हम एक स्प्राइट जो है वो यहाँ पर अपीयर हो। तो इसके लिए अगर एडवांस का ब्लॉक आप क्लिक करोगे तो इसमें गेम के प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स हैं, और इसमें पहला ब्लॉक है क्रिएट स्प्राइट एट अ सर्टेन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो हम ये ब्लॉक यहाँ लेके आ रहे हैं, और अभी जो x और y की वैल्यू है x2 y2 है। तो ये मैंने एक पहले वीडियो में भी समझाया था कि जो हमारी ये एक्सिस है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और जो टॉप लेफ्ट है वो x0 y0 है, और फिर वो x 1 2 3 4 ऐसे बढ़ती है और y 0 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ती है। तो जब हम कह रहे हैं कि सेट अ प्लेयर स्प्राइट टू x2 y2, वो बैंग इन द मिडल ऑफ द LED का जो ये एरे है इसके मिडल में ये स्प्राइट बन जाती है। हम चाहते हैं कि ये यहाँ नहीं, ये बॉटम रो पे बने, जिसकी वैल्यू है x2 y4। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू बदल रहे हैं, 4 कर रहे हैं। तो हमारी ये जो प्लेयर स्प्राइट है ये अब करेक्ट पोजीशन पे आ गई है। फिर नेक्स्ट हम क्या चाहते हैं कि जब बटन ए प्रेस हो तो ये स्प्राइट लेफ्ट की तरफ मूव करे, और बटन बी प्रेस हो तो ये राइट की तरफ मूव करे। इसके लिए इनपुट में जाके हम ये ऑन बटन ए प्रेस का प्रोग्रामिंग ब्लॉक ला रहे हैं, और हम गेम के ब्लॉक में जाके यहाँ पर चेंज एक्स की वैल्यू ला रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं ये ड्रॉप डाउन दबाऊँगा तो ये हमारे को, हम यहाँ पे वेरिएबल चूज़ कर सकते हैं। तो हम प्लेयर नाम का जो वेरिएबल है उसको मूव करना चाहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि जब बटन ए प्रेस हो तो प्लेयर एक्स, प्लेयर नाम के वेरिएबल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हम लेफ़्ट की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो हम कह रहे हैं उसको -1 से चेंज कर देना। तो जब इसको हम सिमुलेटर में टेस्ट कर सकते हैं, मैं बटन ए जब दबाता हूँ तो जो हमारी प्लेयर स्प्राइट है वो लेफ़्ट की तरफ मूव करती है। हम चाहते हैं बटन बी दबाने से वो राइट की तरफ मूव करे। तो मैं इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ कह सकता हूँ ड्रॉप डाउन दबा के बटन बी, कि व्हेन बटन बी इज प्रेस, प्लेयर नाम का जो वेरिएबल है जिसको कि हमने मैप किया हुआ है एक स्प्राइट से, उसकी वैल्यू जो है वो +1 से चेंज कर देना। तो सिमुलेटर में हम इसको देख सकते हैं, ए दबा के ये स्प्राइट लेफ्ट जा रही है और बी दबा के ये राइट की तरफ जा रही है। तो इस तरीके से हमारे को प्लेयर और प्लेयर का कंट्रोल मिल गया। उसके बाद हम चाहते हैं कि जो हमारी एनिमी स्प्राइट्स हैं वो टॉप रो पे आएँ, स्पॉन हो, और उसके बाद वो नीचे की तरफ आएँ। तो सबसे पहले हमारे को एक और वेरिएबल क्रिएट करना होगा। तो हम वेरिएबल्स में जाके मेक अ वेरिएबल करके एनिमी 1 इसका मैं नाम दे रहा हूँ, और हम कह रहे हैं कि ये, इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, और हम कह रहे हैं फॉरएवर, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो एनिमी है वो, एनिमी की जो स्प्राइट्स हैं वो फॉरएवर स्पॉन होती रहें और नीचे आती रहें, इसलिए हम ये सारी कमांड फॉरएवर लूप के अंदर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जाके मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि वेरिएबल का नाम है एनिमी 1, और हम चाहते हैं कि वो टॉप रो पे आएँ। तो अभी ये x2 y4 पर आ रही हैं तो इसी के ऊपर स्पॉन हो गया, इसलिए सेकंड स्प्राइट हमारे को नहीं दिख रही है। तो मैं पहले y की जो वैल्यू है इसको 0 करता हूँ, ताकि जो हमारी स्प्राइट स्पॉन हो वो टॉप रो पे हो। तो हम चाहते हैं कि टॉप रो पे तो स्पॉन हो, पर ये जो x की वैल्यू है वो बिटवीन 0 टू 4 जो है वो रैंडम पे सिलेक्ट हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि कभी वो यहाँ पर हो, कभी यहाँ पर हो, कभी यहाँ पर हो, इस तरीके से। तो इसके लिए मैं फिर मैथ में जाके यहाँ से पिक रैंडम का ये ब्लॉक ला रहा हूँ, और मैं इसको
एक्स की वैल्यू के लिए मैं कह रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू जो है वो एनीथिंग बिटवीन 0 and 4 हो सकती है, वाई केवल 0 हो सकता है। तो ये एक एक करके स्पॉन हुई, बहुत फास्ट स्पॉन हुई, बट एक एक करके हुई, इसलिए धीरे धीरे ये सारी कवर हो गई हैं और ये रैंडम पे नई नई जनरेट होती जा रही हैं, बट बिकॉज सारे ब्लॉक्स फुल फिल हो गए हैं इसलिए हमारे को लग रहा है कि एज इफ ये यहीं पर हैं। नेक्स्ट हम क्या चाहते हैं कि हम इनको स्टेप बाय स्टेप नीचे लाना चाहते हैं, यानी कि वाई की जो ये एक्सिस है उसमें हम इनको एक एक करके इंक्रीमेंट करना चाहते हैं कि पहले वाई जो है वो 0 है, फिर जो y है वो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3, 4 इस तरीके से। तो नीचे लाने के लिए पहले, क्योंकि हम 4 स्टेप्स में इसको नीचे लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं लूप में जाके कह रहा हूँ कि रिपीट 4 टाइम्स। और क्या चीज़ रिपीट करना 4 टाइम्स? हम चाहते हैं कि y की वैल्यू कम हो, तो हम फिर से गेम में जाकर हम यहाँ से प्रोग्रामिंग ब्लॉक ला रहे हैं, चेंज, यहाँ ड्रॉप डाउन से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ NME1, एंड हम यहाँ कह रहे हैं चेंज द वैल्यू ऑफ y बाय 1। तो अगर मैं इसको यहाँ डालता हूँ, जो हमारी स्प्राइट्स थी वो एकदम से नीचे आ गई क्योंकि वो बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हुई है ये कमांड। तो ये जो ये 4 स्टेप हैं ये धीरे धीरे करके हों, इसके लिए मैं बेसिक में जाके एक पॉज की कमांड ला रहा हूँ, और मैं इस पॉज में जाके कह रहा हूँ कि मे बी 500 मिली सेकेंड्स पर इसको एक एक करके नीचे लाना। तो अब आप देख सकते हो कि जो हमारी स्प्राइट्स हैं वो रैंडम पे जनरेट हो रही हैं जो ऊपर के उसमें, और वो स्टेप बाय स्टेप नीचे आ रही हैं, और वो कितनी फास्ट नीचे आएँ आप इस वेट से उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर मैं इसको 200 मिलीसेकंड्स कर दूंगा तो जो स्प्राइट्स हैं यानी एनिमी जो है वो बहुत फास्ट नीचे आएगी, गेम जो है वो ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो ये स्प्राइट्स नीचे आ रही हैं रैंडम पर दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि ये ऐसा लग रहा है कि ये टॉप रो से नहीं आ रही हैं, ये जो सेकंड रो है वहाँ से आ रही हैं। तो ये ठीक करने के लिए मैं वापस बेसिक में जाके एक और पॉज की कमांड यहाँ ला रहा हूँ, और मैं इसकी पॉज बहुत कम कर देता हूँ, इसको केवल 50 मिलीसेकंड्स कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जब ऊपर स्पॉन होंगी तो वो हमारे को दिख रहा है, मतलब एक स्लाइड हमने पॉज डाल दी है इसलिए जो स्पॉनिंग है वो भी दिख रही है। तो ये स्पॉन होके फिर धीरे धीरे नीचे आ रही हैं। फिर हम फाइनली ये चाहते हैं कि जब ये नीचे आएँ तो ये यहाँ स्टैकअप ना हो, क्योंकि फिर प्लेयर नहीं दिखेगा हमारे को, हम चाहते हैं कि वो डिसअपियर हो जाएं। तो वापस गेम में जाके फिर यहाँ से मैं स्प्राइट ला रहा हूँ, डिलीट स्प्राइट। तो हम कह रहे हैं कि जब नीचे एकदम पहुँच जाएँ, यानी कि ये जो हमारा स्टेप बाय स्टेप वाई की वैल्यू चेंज हो रही थी ये 4 टाइम्स रिपीट हो जाए, तो उसके बाद ये स्प्राइट जो है वो अपने आप ख़त्म हो जाएँ। और ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल इस वक्त पिक कर रहा है स्प्राइट नाम का, और उस ये स्प्राइट नाम के वेरिएबल को हमने कहीं अभी तक डिफाइन ही नहीं किया है, इसलिए ये एरर दिखा रहा है। तो मैं इसको अगर ड्रॉप डाउन करके यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ NME1, सेम जो स्प्राइट यहाँ पर हमने स्पॉन करी है, हम चाहते हैं कि वो यहाँ डिसअपियर हो जाए। तो अब जो हमारा गेम है वो ठीक चल रहा है कि हम अपने प्लेयर को लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, और जो एनिमीज़ हैं वो नीचे स्टेप बाय स्टेप गिर रही हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है वो है कि हमारे को कोलिजन जो है उसको डिटेक्ट करना है। तो कोलिजन डिटेक्ट करने का मतलब है कि जब एनिमी जो है वो टच कर रही होगी हमारे प्लेयर को, तो हम जो भी हमारी एंडिंग कंडीशन है वो डाल सकते हैं। मे बी सिंपल रखने के लिए अभी हम कहेंगे कि गेम ओवर। तो इसके लिए मैं बेसिक में जाके फिर से एक फॉरएवर का लूप ला रहा हूँ, और अब हम कोलिजन डिटेक्ट करना चाहते हैं। तो हम फिर से गेम में जाकर यहाँ से ये कमांड लेकर आ रहे हैं, इज़ वन स्प्राइट टचिंग अनदर स्प्राइट, और हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कि इफ़ द प्लेयर स्प्राइट इज़ गोइंग टू टच द एनिमी स्प्राइट। तो वेरिएबल्स में जाके मैं एनिमी का जो हमारा वेरिएबल है उसको ला रहा हूँ, और ये हमारे को कंडीशन जो है ये चेक करनी है। तो मैं कंडीशनल स्टेटमेंट लेकर आ रहा हूँ कि इफ़ दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो क्या स्टेटमेंट है हमारा, हम फॉरएवर चेक करेगा हमारा प्रोग्राम कि अगर कभी भी प्लेयर की जो स्प्राइट है यानी जो हमने वेरिएबल के अंदर यहाँ पे डिफाइन करी थी वो अगर हमारी एनिमी की स्प्राइट से टच करेगी तो हम अभी सिंपल रखने के लिए कह देते हैं गेम ओवर। तो इसके लिए वापस गेम में जाके मैं यहाँ से गेम ओवर की का ये प्रोग्रामिंग ब्लॉक ला रहा हूँ, और इसको मैं लूप के कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर डाल रहा हूँ। तो अब हम अपना
गेम जो है हम इसको लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, और अगर इसका कोलिजन होगा तो जो हमारा गेम है वो गेम ओवर हो जाएगा। अब हम अपना जो गेम है वो डाउनलोड बटन दबा के हम अपने माइक्रोबिट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप क्रोम ब्राउज़र पर हो और आपने ऑलरेडी अपना डिवाइस जो है वो कनेक्ट किया हुआ है, या सेकेंड ऑप्शन यह है कि आप उसे एज अ हेक्स फाइल अपने प्रोग्राम को डाउनलोड करो और फिर जैसे आप एंड्रॉयड में जाके ट्रांसफ़र करते हो उस तरीके से माइक्रोबिट जो है वो आपको एज एन एक्सटर्नल ड्राइव, जब आप माइक्रोबिट अपना यूएसबी से कनेक्ट करोगे अपने पीसी या लैपटॉप से, तो आपको एज एन एक्सटर्नल ड्राइव माइक्रोबिट दिख जाएगा और आपको ये जो आप हेक्स फाइल जहाँ पर भी डाउनलोड करके सेव करोगे आपको वहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। तो मेरा जो माइक्रोबिट है ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ और अब ये डाउनलोड हो गई है और हम इसको अपने माइक्रोबिट पे खेल सकते हैं। तो ये हमारा जो एक बेसिक डॉज द एनिमी गेम है ये तैयार हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और इम्प्रूव करेंगे, हम इसमें लाइव्स डाल सकते हैं कि ये नहीं कि जो फर्स्ट एक्सीडेंट हुआ है, फर्स्ट कोलिजन हुआ है उसी में गेम ओवर हो जाए। हम लाइफ डिफाइन करके कह सकते हैं कि अगर 3 कोलिजन हो या 5 कोलिजन हो तब जो है हमारा गेम ख़त्म होगा। हम इसमें म्यूज़िक वगैरह भी डाल सकते हैं, स्पेशली अगर आपके पास माइक्रोबिट वर्जन 2 है तो वो फिर आपका जो गेम प्लेइंग एक्सपीरियंस है वो और अच्छा हो जाएगा। हम इसमें म्यूज़िक डालेंगे कि बटन ए दबे या बी दबे तो म्यूज़िक आए, या जब कोलिजन हो तब म्यूज़िक आए। तो ये सारे फीचर्स हम डालना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।